नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। खबर दोपहर की, चलिए शुरुआत करते हैं। बनारस, काशी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। और जब बनारस की बात होती है तो बनारस के घाट और बनारस की खूबसूरती का जिक्र जरूर होता है, इसके साथ ही साथ बीएचयू का जिक्र भी होता है। और बीएचयू विद्या का वो मंदिर है जो विश्व प्रख्यात है, यानी कि विश्व स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रा के साथ बर्बरता हुई। बर्बरता की हदें कुछ ऐसी पार हुई कि छात्रा का वीडियो तक बना लिया गया, उसे निर्वस्त्र कर दिया गया, छात्रा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ। और अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू आईआईटी कैंपस में बुधवार की रात दोस्त के साथ घूम रही आईआईटी की एक छात्रा से मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने बदसलूकी की और बदमाशों ने निर्वस्त्र करते हुए छात्रा का वीडियो बनाया। इस घटना के बाद आरोपी कैंपस के हैदराबाद गेट से फरार हो गए और रात में हुई इस घटना से छात्र छात्राएं बेहद नाराज हैं। प्रदर्शन भी देखने को मिला। 11 घंटे तक छात्र छात्राएं एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। पीएमओ की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई और आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार बनेगी, ये भी मांग अब लगातार उठाई जा रही है। वही प्रशासन ने आईआईटी बनारस और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैंपस को दो फाड़ नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो कैंपस में दीवार बनाने की बात की जा रही है इसे नहीं बनने देना चाहिए, वरना जो कैंपस है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। मदन मोहन मालवीय के सपनों को बटता हुआ नहीं देखा जाएगा, ये साफ तौर पर छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये मामला सामने आता गया, लगातार इस पर राजनीति शुरू हो गई। वही पूरे मामले में प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ ने पुलिस कमिश्नर मूथा अशोक जैन से रिपोर्ट मांगी है, जबकि पुलिस कमिश्नर ने एसएचओ लंका अश्विनी पांडे को लाइन हाजिर किया है। इस बीच पीएमओ गुरुवार को हर पल की रिपोर्ट लेता रहा। यही नहीं, सीएम योगी ने कमिश्नर कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले पर फोन पर बातचीत भी की है। आईआईटी प्रशासन के साथ बात कर छात्र छात्राओं के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी करने की भी अब बात कही गई है। लेकिन छात्रों से जुड़ा यह मामला था तो लाजमी है कि छात्र संघ भी प्रदर्शन करते। बीएचयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हुए नजर आए। केंद्रीय कार्यालय के बाहर नारेबाजी का दौर देखने को मिला और इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि छात्रा को न्याय दिया जाए, जबकि आईआईटी और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का विरोध भी किया गया। छात्र अभय सिंह ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी के कारण छात्रा के साथ ये छेड़छाड़ हुई है। अब लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और एबीवीपी के छात्रों की ये चार मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये उठाई गई है कि बीएचयू कैंपस में सभी चौराहों पर हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। दूसरी मांग उठाई गई कि कैंपस में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, जो कि पहले कम किए गए थे। तीसरी मांग की कैंपस में शाम को बाहरी अराजक लोगों की एंट्री बैन की जाए। और चौथी मांग ये उठाई गई कि कैंपस को बांटने के लिए दीवार बनाने के जिस प्रस्ताव पर अब बात की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन बीएचयू जब भी जिक्र होता है तो तमाम तरीके के यहां पर आयोजन किए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बनारस की पहचान है या यूं कहे कि भारत की पहचान है। ऐसे में अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्र के साथ इस तरीके से बर्बरता होगी तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सवाल सरकार से ही किया जाएगा। और अब छात्र भी इस मामले पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि छात्रा को जिसके साथ यह हरकत हुई है उसे न्याय मिले, क्योंकि सरकार की अगर हम बात करें तो हर एक मंच पर अब सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि यूपी महिलाओं के लिए सुरक्षित हो चुका है, अब महिलाएं रात को आराम से घूम सकती हैं, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जरा सोचिए कि अभी तो बीएचयू कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ इस तरीके से बर्बरता होती है। क्या वाकई प्रदेश की महिलाएं रात को 12 बजे सड़क पर बेखौफ होकर घूम सकती है क्या, जैसा कि दावा सरकार करती है? इस दावों में कितना दम नजर आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तमाम मौजूदा मामले सामने आ रहे हैं वो इस दावों की पोल खोलते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। और ये है शिक्षा का मंदिर, जहां पर एक बेटी के साथ बर्बरता की गई है।
तीन युवक बाइक पर सवार होकर बीएचयू आईआईटी कैंपस में दाखिल होते हैं। छात्रा को निर्वस्त्र करने की धमकी भी देते हैं, उसको निर्वस्त्र करवा भी देते हैं, वो भी बंदूक की नोक पर उसका वीडियो बनाते हैं। छात्र के दोस्त को जमकर पीटा जाता है और ये वीडियो बनाकर जो तीनों आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद से प्रदर्शन की आग फैलने लगी, प्रदर्शन देखने को मिला, जोरदार प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के छात्र चार मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए, लेकिन इतनी बड़ी जो बेटी की अस्मिता के साथ शिक्षा के मंदिर के अंदर खिलवाड़ हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार सार्वजनिक मंच पर खुले तौर पर यह कहती हुई नजर आती है कि यूपी का माहौल बेटियों के लिए सुरक्षित है। अगर वाकई यूपी में बेटियों के लिए माहौल सुरक्षित है तो जो ये ताजा वाक्या बनारस से सामने आए हैं, इसके लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? छात्रा को न्याय कब मिलेगा? आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब होंगे? अब ये तमाम बड़े सवाल है जिस पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आरिफ अबीब नेता सपा जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता से करते हुए, वीरेंद्र मिश्रा जी, ये जो बनारस का ताजा मामला है इससे आप भी वाकिफ होंगे, ये जो मामला सामने आया जहां एक छात्रा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, बंदूक की नोक के दम पर उसको निर्वस्त्र किया गया, उसका वीडियो बनाया गया, इस पूरे मामले पर अभी तक शासन ने क्या कार्रवाई की है, और जो छात्रा के साथ एक कैंपस के अंदर होता है, जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? निश्चित तौर से मुस्कान जी, ये अति निंदनीय है। जी वीरेंद्र जी, बहुत ही बेदर्द और बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। और शासन के संज्ञान में आते ही इसमें कार्रवाई की गई है, और अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर सीसीटीवी कैमरे और अन्य जिलों की टीमों को सूचित करके उन पर निगाहें बनाई गई हैं, और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अति निंदनीय कार्य करने वाले, विभत्स घटना को कार्य करने वाले आईपीसी सीआरपीसी के तहत इनके साथ पूरी कार्रवाई की जाएगी, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र जी, मणिपुर की घटना का जब वीडियो सामने आता है तो भी आपके प्रवक्ता मीडिया के सामने बोलते हैं निंदनीय है, बांदा में जब दुष्कर्म होता है तो भी आपकी पार्टी की तरफ से निंदनीय कहा जाता है, आपकी पार्टी बस निंदनीय बोल देती है और कार्रवाई करने का आश्वासन देती है, लेकिन जब बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ ये बीतती है, जरा आपने उसका सोचा है क्या कभी? निश्चित तौर से ऐसी शर्मनाक घटनाएं दिल को झकझोर देती है। जो घटना घटित करने वाले लोग हैं ये इतने विभत्स और राजसी प्रवृत्ति के हैं कि इन पर हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि राक्षस नुमा लोग जो बदनुमा दाग बनकर समाज पर कलंकित कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं कारित करने वाले इंसान नहीं हो सकते। इनके साथ जित तरह से जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम होगी। ठीक है, आरिफ अबीब जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ जी से क्या हमारा संपर्क स्थापित हो चुका है? क्या आरिफ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, देखिए आरिफ अबीब जी, वीरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्होंने कहा घटना विभत्स है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो राक्षस नुमा लोग है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर हर बार कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, यूपी में महिलाएं रात को 9 बजे भी बेखौफ होकर घूम सकती है क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या वाकई धरातल पर आपको ये वादे सच नजर आते हैं क्या? आरिफ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता फर्जी दावे, फर्जी वादे, झूठ, नफरत और लोगों को बांटने के अलावा कोई काम नहीं करते। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और हमारे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिनसे अपना प्रदेश को संभल नहीं रहा है, देवरिया की घटना भी हुई है, बाधा की घटना हुई है और काशी बीएचयू में यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से मणिपुर ने वैश्विक स्तर पर भारत का सर से झुकाया है, मैं समझता हूँ कि बीएचयू की इस घटना भी जो है वो भारत को शर्मिंदगी का सबब बन रही है। और ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और धार्मिक नगरी भी है, इसको बहुत ही हजारों साल से धर्म की नगरी कहा जाता है, काशी को सांस्कृतिक धार्मिक नगरी कहा जाता है। ऐसी जगह पर इस तरह का यौन आक्रमण होना, वो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर उनकी अपनी सुरक्षा होती है, बाहर सड़कों पर तो हम आप सुरक्षित नहीं है, लेकिन कम से कम कैंपस में तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए। और वो भी छात्रा, उसके दिल से पूछिए, उसके परिवार के दिल से पूछिए, उसके सहपाठियों से पूछिए उसका क्या हाल होगा, आज उस स्थिति में होगी वो उसका हाल वही जान सकती है। मेरी पूरी संवेदनाएं समाजवादी पार्टी की उस छात्रा के साथ है, उसकी सहेलियों के साथ है, उसके कलीग के साथ है, उसके परिवार के साथ है। जब उन्नाव की घटना हुई उसमें न्याय नहीं मिला, आतरस की जिस तरीके से लड़की को दाह संस्कार कर दिया गया, पहलवान बेटियां लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देती रही, लेकिन इसे और संबंधित जो सांसद थे उनके चेहरे पर, उनके माथे की शिकन जो है वो माथे पे शिकन तक नहीं। गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करना, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के लिए मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है, ना कि मनोबल गिराने का काम कर रही है। ठीक है, वीरेंद्र मिश्रा जी से जवाब लेते हैं। देखिए वीरेंद्र मिश्रा जी, आरिफ अबीब जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अगर बलात्कारियों को छोड़ती है तो वो उनका मनोबल बढ़ाने का काम करती है। और देखिए वीरेंद्र जी, आज आपसे सवाल पूछा जाएगा क्योंकि सत्ता में आप है, बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। सड़कों पर बलात्कार होता है तो आप कहते हैं कार्रवाई की जाती है, अब तो शिक्षा के मंदिर के अंदर वीरेंद्र जी बलात्कार से कम ये घटना है लेकिन निंदनीय घटना है, जहां छात्रा के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, उसका वीडियो तक बनाया जाता है। अब आप ये सोच रहे कि जरा अब जो और माता पिता है क्या वो अपने बच्चों को बीएचयू या किसी भी शिक्षा के मंदिर में बाहर पढ़ने इतनी आसानी से भेज पाएंगे क्या? वीरेंद्र जी, ऐसी घटना निश्चित तौर से समाज को शर्मसार करती है और हम इस बात को कहने में हमें कोई हिचक नहीं है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी को हो या आम आदमी पार्टी की हो, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी बहन है, बेटी है, माँ है, उसके साथ अगर ये घटनाएं होती हैं तो अतिनिंदनीय है। मैंने कहा कि ये राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग जिस प्रकार की घटना जी, सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार इनके साथ घोरतम कठोरतम कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और ये अगर आसमान के किसी भी कोने में छुपे होंगे तो भक्कर नहीं जा पाएंगे। ये योगी की सरकार और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में होता है तो निश्चित तौर पर अतिनिंदनीय है। और इसको प्रशासन चैलेंज के रूप में लेता है, शासन चैलेंज के रूप लेता है, भारतीय जनता पार्टी चैलेंज बलात्कारी है वो किसी भी प्रकार से योगी सरकार के सकंजे से बचकर नहीं निकल पाएगी। लेकिन हम जब तक उनको पकड़ कर नहीं लाते हैं तब तक हम सारी बातें स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं आप से कहने में हमें ये दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है, आरिफ अबीब जी कुछ कहना चाहते हैं? आरिफ जी 10 सेकंड में अपनी बातों को कंप्लीट करें क्योंकि प्रखर जी भी लगातार हमारे इंतजार कर रहे हैं। आरिफ जी, लफाजी करने से कोई काम नहीं होता है। जब सरकार लॉ एंड ऑर्डर को वाकई में मेंटेन करना चाहती है तो निश्चित रूप से ऐसे कांडों में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अभी है। थाना के अंदर एक महिला अपने भतीजे के साथ सब्जी लेने निकली और उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद जब छेड़खानी का विरोध किया तो 10-20 की तादाद में लोग लाठी डंडा लेकर के चले गए और हमारा वो व्यक्ति जो है जिला अस्पताल में जो मौत और जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है।
और सरकार झूठ बोलती है खड़े होकर के मंचों से। और अपने उसमें एक दौर था, मुझे याद है बहुत पुराना दौर था, कुछ लोग अपने राजा के पास गए जब लोकतंत्र नहीं था, राजशासन था, आत्मसत्ता थी, तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी सरकार में विश्वास नहीं रह गया है और हम चाहते हैं कि आप हमें विश्वास दिलाए कि हम कैसे रहेंगे। तो राजा ने कहा कि हम आपको सफेद पन्ना देते हैं, आपकी जो भी मांग है इस पर सारी रिश्ते के लिए आइए, मैं सामान दूंगा। आज लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं हैं और उस शपथ को लेकर के लोग सदन में बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि शपथ के विपरीत लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से लफाजी करने का दौर नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति किसी भी बहन बेटियों के साथ न मिले। ठीक है, प्रखर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रखर जी के पास हम सीधा चलते। देखिए प्रखर जी, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वीरेंद्र जी, वो यही सिर्फ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, चाहे जो अपराधी है वो पाताल में छुपे हो, आकाश में छुपे हो, दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि यूपी की अगर हम बात करें या देश भर की अगर हम क्यों ना बात करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून है उसे और कठोर होने की जरूरत है? क्या हर बार हम किसी ऐसी घटना का ही इंतजार करें आरोपियों को पकड़ने के लिए? प्रखर जी मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद संजय सिंह लगातार कहते हुए आए कि भारतीय जनता पार्टी एक लुच्चों की, एक लफंगों की, एक गुंडों की और एक बलात्कारियों की पार्टी है। वो सड़क से लेकर संसद तक लगातार चीखे रहे कि भारतीय जनता पार्टी एक लुच्चों की, लफंगों की, गुंडों की और बलात्कारियों की पार्टी है और ये बात सच है। देखिए, प्रधान पदों पर चौथी पास वाले देश पे काबिज हो तो देश का क्या होगा? मुझे बयान याद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान पदों पर बैठे लोगों के बयान मुझे याद आ रहे हैं और मैं आज आपके इस चैनल पर आपके दर्शकों को उन बयानों को याद दिलवाना चाह रहा हूं। मुझे याद है देश के गृह मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला, कोई भी लड़की रात में गहने पहन के 12 बजे भी निकल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान थे कि अगर किसी लड़की की अस्मिता से खेलने का किसी ने कोशिश करी तो अगले चौराहे में उसके लिए यमराज बैठा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बयान मैं आपको याद दिला दूं, उनके बयान थे कि योगी जी के कानून राज में महिलाओं के लिए सब व्यवस्था है, पूरी तरीके से महिला सुरक्षित है। तो मैं आज आप मुझे बताइए, ये बनारस जैसे क्षेत्र में इस तरीके के चरमचार घटना हो रही है, वहां के छात्रों को 48 घंटे हो गए मुस्कान जी, 48 घंटे से अभी भी वो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, साहब कार्रवाई तो कर। यह है योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था। देखिए मुस्कान जी, जब मणिपुर जैसी घटना होती है, उस प्रदेश का मुखिया वीरेंद्र सिंह बोलते हैं कि अभी आपने तो एक ही झलक देखी है, अभी ऐसे तो लाखों कांड हुए हैं। आप सोचिए आप किस तरीके से नंग अवस्था में लड़की को परेड कराया जाता है, वहां वो प्रधान बोलता है कि अभी तो आपने एक वीडियो देखी है, आपने अभी एक ही वीडियो देखी है, अभी आपने 1,00,000 जैसी ऐसी घटनाएं हुई हो तो आपने देखा ही नहीं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुस्कान जी मन की बात घंटों घंटों करते हैं, उनको मणिपुर का मां बोला नहीं जाता, डेढ़ मिनट बात करते हैं मणिपुर पे। उस मणिपुर की घटना पे सब
संवेदना देने के लिए मात्र 1.5 मिनट देते हैं। अरे प्रखर जी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं ना, यूपी में भी महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी खबरें मैं रोजाना पढ़ती हूँ, मेरे सामने हमेशा वो खबरें आती है, सिर्फ अभी यूपी पे रहते हैं, मणिपुर पे कभी और जाएंगे। लेकिन देखिए आप एक बार, ठीक है आपने अपनी बातों को रखा, एक बार वीरेंद्र मिश्रा जी से कॉमेंट लेते हैं। देखिये वीरेंद्र जी, तमाम आरोप प्रखर जी आप पर लगा रहे हैं, आप उनके आरोपों का जवाब दीजिए, लेकिन जो BHU के छात्र है अब उनमें भी साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिला है। बच्चे जो वहां के हैं वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा था कि हर एक चौराहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV लगवाए जाएंगे। वो CCTV आखिर क्यों नहीं लगवाया गया, क्योंकि अब साफ तौर पर छात्र छात्राएं यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रशासन और शासन की बड़ी लापरवाही है। मोदी जी ने जो कहा था हम उस पे आज भी कायम हैं, और हम निश्चित तौर से ये समाज में अराजक तत्वों का जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो हमारे समाज के कालिख पोते हैं, और हम इसके लिए इसके प्रति पूरी रूप से गंभीर हैं। BHU जैसी संस्था में इस प्रकार की कार्यवाही होना वो एक चैलेंज देता है, एक समाज को चैलेंज देता है, सरकार को चैलेंज देता है, सरकार को ललकार रहा है। हम निश्चित तौर से घटित हुई कार्रवाई के प्रति सर्वसार हैं, और परंतु हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं कि अराजक तत्वों द्वारा किए गए कारनामे जितने भी घटित हैं इससे अधिक से अधिकतम कार्रवाई IPC के अंतर्गत की जाएगी। वो हमने उस बात को फिर दोहराता हूँ, वो कहीं भी होंगे कहीं होंगे उनको निकाल कर सामने प्रस्तुत किया जाएगा, समाज इसका परिणाम और अंजाम देखेगा। वीरेंद्र जी, मतलब आप ये मानने को तैयार है क्या कहीं ना कहीं कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है या यूपी में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? यूपी की कानून व्यवस्था अगर ध्वस्त हो गई होती तो चैलेंज मैं आपको इस ऑनलाइन TV पर दुरुस्त और मुफीद है, और इस प्रकार की कार्यवाही करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। वीरेंद्र जी, सवाल तो जस का तस बना हुआ है ना कि क्या ऐसे अपराध होंगे तब कार्रवाई की जाएगी, क्यों कानून हमारा इतना सख्त नहीं बना पा रही है सरकार कि अपराध होने से पहले ही अपराधी डर जाए? आप गिरफ्तारी करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। मुस्कान जी, उसकी भी तैयारियां की जा चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आज यही जो विपक्ष की सरकार, जब हम सख्त से सख्त कानून लाने की सिफारिश करते हैं, अब आप इस टॉपिक पर वो बात खेलना जरूरी नहीं है। महिला आरक्षण को अपने दिल से भाजपा ने लाया, और सख्त कानून को लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और यही विपक्ष ऐसे दरिंदों को, बात तो प्रशासन का राजनीतिक तौर से करती है, लेकिन सख्त कानून की हिमायत करने के लिए जब सरकार जमीन पर उतरने का प्रयास करती है तो यही विपक्ष राजनीतिक कारणों से आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी कहकर इन दरिंदों को बचाने का प्रयास करती है। वो अपरोक्ष रूप से उनके बयान जरूर हो सकते हैं, परंतु सख्त रूप से कार्रवाई करने के लिए जब सरकार बिल्कुल मुस्तैद होती है तो यही विपक्ष कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंजाम देने में उनके बयानों से उनको सहायता मिलती है। ठीक है आरिफ हबीब जी, क्यों आखिर आप जब महिलाओं के खिलाफ कोई कानून बनता है तो उस पर सरकार को समर्थन नहीं देते हैं? साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि जब भी महिलाओं के लिए हम कोई कानून बनाने की बात करते हैं, किसी अपराधी को गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो जो तमाम विपक्षी दल है वो मिलकर बचाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी नितांत झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर, अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती है। अभी मैं देख रहा था महिला उत्पीड़न के मामले में यूपी नंबर 1 पर है, और एटा जिले की बात खाली अगर कर लें तो 2019 से अब तक 392 घटनाएं महिलाओं के साथ में, यानी हर दिन 3 घटनाएं होती हैं। गाजियाबाद भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है, हाहाकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मंचों पर खड़े होते हैं तो इस तरीके से झूठ बोलते हैं जैसे मानों को कहा कि सब कुछ हरा भरा है और सारे लोग सुरक्षित हैं। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि गहना पहन करके महिलाएं रात के 12 बजे भी अकेले घूम सकती है। बताइए, एक शिक्षा के मंदिर में, एक कैंपस में एक बेटी नहीं घूम सकती है और इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? दावे क्यों करते हैं? जब उनके मंच पर
रिहा किए हुए गुजरात के लाभकारी बैठेंगे बगल में, बड़े बड़े मंत्रियों के बगल में, तो इस तरह के मनोवृत्ति के लोगों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो उन्नाव के लोग हों, चाहे वो हाथरस के लोग हों, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, इस तरह की बातों को दोबारा लाना चाहिए और ला करके उनके आरोपियों को फिर से सजा देनी चाहिए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और ऐसे लोगों का मनोबल सीधने का काम होगा। जो लोग इस तरह की घटना करना भी चाहते हैं तो वो घटना नहीं करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी केवल लफाजी करने का काम करती है। ठीक है वीरेंद्र मिश्रा जी, तमाम आपको उपाय बताए गए, क्या आप इन उपायों को पालन करेंगे क्या? क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो चाहते ही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो। यूपी में सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून लाए, ना कि बयानबाजी करे। हम इसमें सरकार के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो आप किस भी नाम पर विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाते हैं कि जब वो महिलाओं के लिए कुछ करते हैं तो विपक्षी दल आपके साथ नहीं खड़े होते हैं? मुस्कान जी, आप जैसी क्रांतिकारी सजग पत्रकार, आप पत्रकारिता की एक नुमाइंदी हैं, आइडियल हैं, और ऐसे में आप देखती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम अपराधी को जातिगत आईने से, अपराधी को धर्मगत आईने से देखकर उन पर कहीं ना कहीं जब बयानबाजी करते हैं तो सा और मात कहीं ना कहीं जाकर समाज के बदनुमा धब्बे बनते हैं और उनमें जातिगत रूप से जब आंकड़े प्रस्तुत किए जाने लगते हैं तो अपराधी अपने को उस समाज का नुमाइंदा मानने लगता है। और हम ऐसे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं समाज से कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, और वो अपराध अगर बहन बेटी और माँ के साथ करता है तो उन्हें हमें कड़ी से कड़ी निंदा करने के साथ कड़ी से सख्त कार्रवाई करने की हौसला होना चाहिए। और जब हम ये हौसला समाज को कहीं ना कहीं अपराधियों को सुधारने का प्रयास करते हैं तो ये इन बयानबाजियों से कट जाता है। ठीक है, अब वीरेंद्र जी एक और सवाल मैं आपसे चाहूंगी। आपकी पार्टी मुखर होकर ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर हमने नाम कमाए हैं, वैश्विक स्तर पर हमारा नाम हुआ है। लेकिन जो विश्व स्तर पर एक यूनिवर्सिटी जो प्रसिद्ध है, BHU, वैश्विक स्तर पर इसका नाम है। अब जब ये खबर सामने आएगी तो वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान कैसी होगी, जरा आप बताएंगे मुझे? वीरेंद्र जी, तौर से आपने जो हमको समाज में बदनुमा धब्बे बनकर हमें चैलेंज किए हैं, हमारी साख को बट्टा लगा है, निश्चित तौर से हमें कालिक लगी है, इसको स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज और गुरेज नहीं है। और हम ये बौद्धिक स्तर से भी और मानसिक स्तर से भी और वैश्विक स्तर से भी हम सारे स्तरों से प्रयास करते हुए व्यक्तियों जैसे संस्था में ऐसे बदनुमा कृत्य को हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए निश्चित तौर से समाज में संदेश देंगे कि इन दरिंदों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, आने वाले इनके वंश भी इस प्रकार की जुर्रत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जी, साफ तौर पर वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि ये धब्बा है, ये कलंक लगा है, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। फिर अब तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए कि वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उनकी पार्टी की या उनके शासन की कमी है। मुस्कान जी, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी की प्रकाष्ठा को देख रहा था। मैं देख रहा था आपके सम्मानित चैनल पे वो किस तरीके से मुद्दे को डिरेल कर रहे थे, कह रहे थे कि विपक्ष हमारा समर्थन नहीं करता। मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ सीधा सीधा कि यह घटना परसों की हुई है, आज की तारीख लग गई है, 3 नवंबर लग चुका है, 48 घंटे के ऊपर हो गए। ऐसी पुलिस है कि इस ऐसे शर्मसार घटना पर छात्रों को धरने में बैठना पड़ रहा है? मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है कि 48 घंटे के ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई भी किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, एक भी छापा नहीं पड़ा, छात्रों को अभी भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुझे याद आ रहा है दिल्ली की यह घटना, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था, उनकी भतीजी का पर्स अरविंद केजरीवाल के गली गली चौराहे चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की मदद से वो चोर पकड़े गए थे। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, सरकार की एक योजना चल रही है मिशन शक्ति,
क्या हुआ, गुंडों की, एक बलात्कारियों की, एक गुंडों की और एक माफियों की पार्टी है। आप इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी अगर ये आश्वासन दे रहे तो समझ लीजिए झूठ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीएचयू से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार रात की यह घटना है, लेकिन अभी तक आज का दिन हो चुका है शुक्रवार, यानी कि जुमे का दिन है, फ्राइडे है इंग्लिश में कहे तो, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लाजमी है सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि प्रदेश में उनकी शासन है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा की, प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की। ऐसे में अगर 48 घंटे बाद भी छात्रा की सुरक्षा के लिए, छात्रा को न्याय दिलाने के लिए अगर खुद छात्र छात्राओं को उतार कर प्रदर्शन करेगा तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? आखिर पुलिस 48 घंटे तक किसका इंतजार करती रही? क्या अभी तक यह इंतजार किया गया कि जब यह मामला सामने आएगा तब इस मामले पर कार्रवाई होगी, तब गिरफ्तारी होगी? बुधवार 11 बजे ये पूरी घटना होती है, तब से लगातार जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और आज जाके पीएमओ की तरफ से रिपोर्ट मांगी जाती है, सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। तो ये जो बीता दिन था, ये आखिर क्या किया पुलिस ने? क्या पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए? क्या पुलिस की तरफ से अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो जानी चाहिए थी? क्योंकि बीएचयू शिक्षा का वो मंदिर है जो वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग ख्याति रखता है, जहां विदेशों से पढ़ने छात्र छात्राएं आती है, क्योंकि बनारस की जब भी बात हो तो बीएचयू का जिक्र जरूर होता है। उसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा को नग्न अवस्था में उसका वीडियो बनाया गया, उसका वीडियो बंदूक के नोक पर बनाया गया, इसके साथ ही जो छात्रा है उसके दोस्त के साथ मारपीट भी की गई और आरोपी आराम से इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और पुलिस अभी भी उसके हाथ खाली है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।